अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद के अंदर, इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब है। हुआ ये है कि इस दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया है कि जुम्मा और हफ्ता की जो दो इफ्तार हुआ करेंगी वीक में, वो मस्जिद में हुआ करेंगी। यूजली पिछले कई सालों से ऐसा नहीं था, मस्जिद में इफ्तार नहीं हुआ करती थी, तो इस साल ही इन्होंने शुरू किया है पहली दफ़ा, और दो दिन जो है ना वो वीक में उन्होंने डेडिकेट किए हैं जहाँ पर मस्जिद में इफ्तार हुआ करेगी। तो बहुत सी फैमिलीज़ जो है ना वो उन्होंने इन्वाइट की हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ। तो आए आपको दिखाते हैं कि क्या मनाजर हैं यहाँ पे, इस तरह का क्या उन्होंने सिस्टम जो है ना वो बनाया है, और तारीख क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं इस वीडियो के बाद। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंट्रेंस है बेसमेंट की, यहाँ पे ये पिज़्ज़ा दे रहे हैं कि अगर किसी ने पिज़्ज़ा का स्लाइस लेना है तो वो यहाँ से पिज़्ज़ा लेके जा सकता है, बाकी इंतज़ाम जो है ना वो अंदर सामने है। हाँ जी, तो अफ्तारी जी हो गई थी कल मस्जिद में, तो मैंने कहा मैं ज़रा कंक्लूडिंग रिव्यू भी इसके साथ जो है ना वो दे दूँ। एक चीज़ मैंने डिफरेंट नोट की है, आमतौर पे पाकिस्तान में भी हमने जो है ना इफ्तार वगैरह किए हैं मस्जिद में भी, तो हमारा जो है ना वो ट्रेडिशन ये है कि हम जो अज़ान होती है तो हम जो है ना वो 5-10 मिनट जो है ना इफ्तारी वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद जो है ना हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बाकी मामला चलते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है जी। यहाँ पर यह है कि इन्होंने सिर्फ खजूर और पानी की जो बॉटल्स थी वो सामने बिल्कुल मस्जिद के ऊपर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे रखी थी। लोग एक एक दो दो खजूर लेके, साथ पानी की बॉटल लेके और खड़े थे। जैसे ही अजान हुई है तो उन्होंने खजूर और पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया और पहले नमाज अदा की है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नमाज के बाद जब नमाज से फ्री हुए हैं तो नीचे बेसमेंट के अंदर इन्होंने अपना सारा सेटअप किया हुआ था, वहाँ पर फिर जो लोगों ने जाके जो है ना बाकी अपना इफ्तार जो है ना वो किया। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफ़िज़।